नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। एंड स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास फॉर यू में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन। ये एक प्ले है जिसे लिखा है डेरेक वॉलकॉट ने एंड ये प्ले पब्लिश हुआ था 1970 में। एंड ये जो प्ले है इसका ब्रॉडकास्ट हुआ था NCB पर 1970 में। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो डेरेक वॉलकॉट थे वो ब्लैक थे जिन्होंने कलर एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा था। तो ये जो आपका प्ले है ये इसी पर बेस्ड है। तो पहले थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन की समरी डिस्कस करेंगे। तो जो डेरेक वॉलकॉट हैं वो एक फेमस सेंट लूसियन पोइट एंड प्लेराइट हैं। इनके जो फेमस वर्क हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले है ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन जो हम आज डिस्कस करेंगे। सेकंड है ओमरोज। ये जो इनकी पोइम है ये ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाली हुई है जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगी। जिसने भी देखना होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकता है। उसके बाद जो थर्ड वर्क है वो है मिडसमर। फोर्थ है वाइन ऑफ द कंट्री एंड फिफ्थ है अफार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ये वाला जो इनका वर्क है ये भी मेरे चैनल पे है, इसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप इसको भी जाकर चेक कर सकते हैं अगर किसी को देखना है। तो उसके बाद हमारा जो सिक्स वर्क है वो है द कैपमैन। तो इनके फेमस वर्क हैं एंड इनको जो फेमस अवार्ड्स मिले हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले है ओवी अवार्ड। ये इनको 1971 में मिला था एंड ये अवार्ड इनको इनके वर्क ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन के लिए मिला था जो हम आज पढ़ेंगे। सेकंड इनका जो अवार्ड है वो है क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री जो उनको 1988 में मिला था। थर्ड है WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड 1990 में इन्हें मिला है एंड ये इनको इनकी पोइम ओमरोज के लिए मिला है। उसके बाद जो फोर्थ अवार्ड है वो है नोबल प्राइज इन लिटरेचर, ये इनको 1992 में मिला है। एंड लास्ट इनको TS एलियट प्राइज मिला है 2011 में। तो ये था हमारे राइटर के बारे में। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन ये जो प्ले है इससे रिलेटेड हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक, हम इस प्ले की इंट्रोडक्शन जानेंगे। दूसरा, हम इस प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल जानेंगे। एंड थर्ड, हम इसकी ब्रीफ समरी जानेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन के इंट्रोडक्शन से। तो ये जो ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन प्ले है ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक एग्जांपल है जो 1970 में पब्लिश हुआ है। ये प्ले एक टेल है एंड ये प्ले कैरेबियन के किसी अननेम्ड आइलैंड के बारे में है जहाँ जेल में सेल्फ हेटिंग एक ब्लैक मैन जो है वो ड्रीम देखता है कि व्हाइट गॉडेस जो है वो उसे कन्विंस कर रही है कि वो अफ्रीका का किंग बने बिकॉज वो डिजर्व करता है। एंड इस प्ले में एक अजीब से आकर्षक ड्रीम के बारे में बात की गई है एंड ये जो प्ले के एक्शंस हैं ये इसी ड्रीम के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसमें एक प्रोटैगनिस्ट है जिसके ड्रीम्स के बेसिस पर ये पूरी की पूरी आपको स्टोरी रिवील होगी। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस स्टोरी में जो रियलिटी है वो जस्ट 10% है एंड 90% जो प्ले है वो आपका ड्रीम्स में ही है, मतलब कुछ रियल नहीं है, जस्ट एक इसका प्रोटैगनिस्ट है जिसको ड्रीम्स होते हैं, तो वही ड्रीम्स जो हैं वो इस प्ले में बताए गए हैं। तो हो सकता है आपको एक कन्फ्यूजिंग भी लगे लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको क्लियर करने की। तो ये जो ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन है ये एक्चुअल में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसी के ड्रीम पर बेस्ड है। तो ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। ओके, तो मैं आपके साथ इस प्ले की समरी डिस्कस करने से पहले इस प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको बता देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपको जो समरी होती है वो ईजिली क्लियर हो जाती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इस प्ले में जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले है मकैक, ये एक ओल्ड निग्रो है यानी कि काला व्यक्ति है। सेकंड है कॉर्पोरल लेस्ट्रेड, ये गार्ड है टाउन जेल का। एंड थर्ड है मोस्टिक, ये मकैक का फ्रेंड होता है एंड ये खुद भी ब्लैक है। एंड उसके बाद जो फोर्थ कैरेक्टर है वो है टीगर, टीगर एक यंग ब्लैक थीफ है। फिफ्थ है सोरिस, ये अनदर ब्लैक थीफ होता है। ये जो टीगर एंड सोरिस हैं ये दोनों कंपेनियन होते हैं। एंड अगला कैरेक्टर है द एप्टिशन, ये एक ब्यूटीफुल वाइट वुमेन होती है। एंड सेवन्थ कैरेक्टर है जोसेफस, ये एक सिक मैन है मतलब कि बीमार व्यक्ति होता है। तो अब मैं बारी बारी से इन सभी कैरेक्टर्स की आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मकैक। मकैक एक ओल्ड निग्रो है, मीन्स एक ब्लैक पर्सन है एंड ये मंकी माउंटेन में अकेला रहता है। एक हर्मिट है, हर्मिट वो होते हैं जो सन्यासी टाइप होते हैं, मतलब सबसे अलग रहते हैं। एंड ये 60 साल का अगली बूढ़ा होता है। तो जो लोग हैं वो इसे मकैक करके पुकारते हैं एंड ये कुछ कुछ मंकी के जैसे दिखता भी है। मकैक जो है वो वुड गैदरिंग और चारकोल बर्नर का बिजनेस करता है। मकैक जो है वो थोड़ा पागल है, नशे में रहने वाला व्यक्ति है। एंड एक दिन इसने जो है शराब पीकर मार्केट में तोड़फोड़ की थी जिस कारण जो लेस्ट्रेड है, जो पुलिस वाला है, वो इसे जेल में डाल देता है। एंड ये जेल में अपने बहुत सारे ड्रीम्स देखता है जो आपको आगे पता चलेंगे समरी के टाइम पे।
तो अब हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है कॉर्पोरल लेस्ट्रेड। कॉर्पोरल जो है वो टाउन जेल का गार्ड होता है एंड इसने मकै को बाजार में शराब पीकर तोड़फोड़ करने के लिए जेल में डाला होता है। कॉर्पोरल जो है वो माइंड से वाइट होता है एंड बॉडी से ब्लैक होता है, बिकॉज इसके जो पेरेंट्स होते हैं उनमें से एक ब्लैक था एंड एक वाइट था, तो ये जो रूल रेगुलेशन थे वो वाइट लोगों के फॉलो करता था एंड एक्चुअल में फिजिकली देखा जाए तो ये भी एक ब्लैक ही था। तो प्ले की एंडिंग में ये जो कॉर्पोरल है ये दयालु बन जाता है एंड ये मकैक को मुक्त कर देता है एंड जो मकैक एंड मॉस्टिक हैं वो एक साथ फिर मंकी माउंटेन्स पे रहने चले जाते हैं। तो अगला कैरेक्टर है मॉस्टिक। ये मकैक का फ्रेंड और चारकोल बिजनेस में पार्टनर होता है। मॉस्टिक जो है वो मकैक के जैसे ही ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता है और मकैक के ड्रीम्स में जो मॉस्टिक है वो मनी रिलेटेड बेनिफिट्स लेने के लिए मकैक का वेश ले लेता है एंड मार्केट जाता है ताकि लोगों को ठग कर वो कुछ अर्निंग कर सके। लेकिन जो लोग हैं उनके सामने इसका झूठ पकड़ा जाता है एंड लोग इसे मार देते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो मॉस्टिक की डेथ हुई है एक्चुअल में ये मकैक के ड्रीम्स में हुई है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। एंड जब मकैक जो है वो प्ले के लास्ट में अपने सपने से बाहर आता है या अपने सपने से जागता है तो ये अपने इस फ्रेंड मॉस्टिक के साथ वापस माउंटेन्स पे रहने चला जाता है। तो अगला करेक्टर है टीगर। टीगर एक यंग ब्लैक थीफ है। जब मकैक को अरेस्ट करके जेल में डाला गया तो उसी जेल की एक शेल में ये जो टीगर है ये भी था एंड इसको चोरी करने के जुर्म में जेल में डाला गया था। एंड जो मकैक है वो सपना देखता है कि टीगर उसके पैसे चुराना चाहता है एंड अपने साथी के साथ वो इसीलिए मकैक का पीछा अफ्रीका तक करता है। जब जंगल में टीगर मकैक से जो है फोर्सफुली पैसे मांगता है तो जो कॉर्पोरल है वो इसे मार डालता है। तो यहाँ पर भी आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो टीगर मारा गया है ये एक्चुअल में नहीं मारा गया है, ये भी जस्ट मकैक का एक सपना है जिसमें ये मारा गया है। तो अब हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है सोरिस। सोरिस जो है वो एक अनदर ब्लैक थीफ है जिसे जेल में टीगर के साथ ही सेम सेल में रखा जाता है और मकैक के ड्रीम में टीगर के प्लान में सोरिस भी शामिल था। यहाँ उसी प्लान की बात हो रही है जो मैंने जस्ट आपको पीछे बताया कि जो टीगर है वो मकैक के पैसे चुराने की प्लानिंग करता है। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ कि ये जो पैसे चुराने वाली प्लानिंग है जिसे टीगर कर रहा है ये रियल में कोई प्लानिंग ऐसी नहीं की गई है, ये जस्ट मकैक का एक ड्रीम था जिसमें उसने ऐसा देखा था कि टीगर एंड जो सोरिस है वो उसके पैसे चुराने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो ये जो आपका प्ले है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, इसीलिए मैं आपको हर पॉइंट पे ये चीज बताती रहूंगी कि कौन सी चीज आपकी ड्रीम में हुई है और कौन सी आपकी रियलिटी में हुई है। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है द एप्रिसन। ये एक ब्यूटीफुल वाइट वुमन है एंड मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो आपकी वुमन है ये भी रियल में नहीं है, ये भी मकैक के ड्रीम का ही एक कैरेक्टर है। तो प्ले में बताया गया है कि जो वुमन है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड मून की तरह अट्रैक्टिव है। प्ले में बताया गया है कि ये जो आपकी ड्रीम की कैरेक्टर है वाइट वुमन ये वेस्टर्न हिस्ट्री के रोमन लॉ को रिप्रेजेंट करती है। तो अगला कैरेक्टर है जोसेफस। जोसेफस जो है वो मकैक के ड्रीम में एक बीमार आदमी था जिसे ड्रीम में ही मकैक ने हील किया था यानी कि ठीक किया था। जोसेफस को स्नेक ने काट लिया था जिस कारण ये फीवर से सफर कर रहा था लेकिन इसकी जो स्वेटनिंग थी वो नहीं हो पा रही थी एंड जो मकैक है वो इस जोसेफस की सपने में जान बचाता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो ब्यूटीफुल वाइट वुमन है एंड जोसेफस है ये दोनों इस प्ले के रियल कैरेक्टर्स नहीं है, ये दोनों जो है ये जस्ट मकैक के ड्रीम्स के कैरेक्टर हैं। तो यही थी कैरेक्टर्स की डिटेल। तो अब हम इस प्ले की समरी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस प्ले की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि इस प्ले की जितनी भी स्टोरी है उसमें से लगभग जो स्टार्टिंग एंड जो एंडिंग है वही रियल है, बाकी पूरी की पूरी समरी आपकी मकैक के ड्रीम्स के थ्रू ही बताई गई है। मतलब कि जो मकैक है जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसने ड्रीम्स में क्या क्या देखा वही इस प्ले की मेन स्टोरी है। तो समरी स्टार्ट करते हैं। तो इस प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट है वो मकैक है जो मंकी माउंटेन पे अकेला रहता है। ओके, तो ये प्ले स्टार्ट होता है मकैक नाम के एक पुअर अगली और बूढ़े आदमी से जिसे कॉर्पोरल लेस्ट्रेड द्वारा लोकल मार्केट में शराब पीकर उथल पुथल मचाने के लिए अरेस्ट किया गया है। जेल में दो सेल्स होती हैं जिसमें से एक सेल में दो ब्लैक चोरों को रखा गया होता है एंड ये चोर होते हैं टीगर और सोरिस।
एंड जो दूसरी जेल है वो खाली होती है, जिसमें कॉर्पोरल मकैक को डाल देता है। एंड जो लेस्ट्रेड है वो इन प्रिजनर्स के साथ जेल में अच्छा बिहेव नहीं करता है एंड प्रिजनर्स को एज एनिमल समझता है। लेकिन जो मकैक है वो लेस्ट्रेड पर ना उसके आर्गुमेंट पर ध्यान देता है कि वो क्या क्या इन ब्लैक प्रिजनर्स को सुना रहा है। मकैक कंफ्यूज होता है एंड ये जस्ट अब अपने घर मंकी माउंटेन पर वापस जाना चाहता है। फिर यहाँ पे जेल में मकैक एक सपना देखता है। मकैक जो है वो जेल में एक सपना देखता है। वो देखता है कि उसने सपने में मंकी माउंटेन पर व्हाइट गॉडेस की प्रेजेंस देखी है। मकैक के सपने में ये जो गॉडेस है ये मकैक को बताती है कि वो अफ्रीका के किंग का बेटा है एंड उसे अब मंकी माउंटेन से अपने अफ्रीका लौट जाना चाहिए। तो इसके आगे जो आपको मैं बताऊंगी वो इसका ड्रीम ही होगा। एंड जो मकैक है उसने एक और ड्रीम देखा था जिसमें उसने अपने फ्रेंड मौसरी को अपने घर के बाहर जमीन पर बेहोश पड़ा पाया एंड ये इस ड्रीम में ये जो मौसरीक है उसको ठीक करता है। एंड आगे जो मकैक है वो सपने में देखता है कि जो मौसरीक है वो मकैक को मार्केट चलने के लिए एनकरेज करता है, जहाँ वो कोल को बेचेंगे जिनका ये रियल में भी बिजनेस करते थे। यानी कि जो मकैक है वो रियल में भी कोल का बिजनेस करता है, लेकिन यहाँ पर मकैक जो है वो सपने में देख रहा है कि वो जो है अपने फ्रेंड मौसरीक के साथ कोल बेचने के लिए जा रहा है। आगे की पूरी स्टोरी जब तक एंड नहीं होता है, आपके सपने में ही हुई है। आगे क्या होता है, जो मौसरीक है उसे एक बात का पता चलता है कि जो मकैक है उसमें हीलिंग पावर है, वो लोगों को ठीक कर सकता है जैसे कि जीसस क्राइस्ट करते हैं। मौसरीक फिर बाजार में जाता है एंड कंट्री रोड में मौसरीक लोगों का एक झुंड देखता है जो एक बीमार आदमी के आसपास खड़े होते हैं। तो ये जो आदमी होता है इसको एक्चुअल में स्नेक ने काटा था, जिससे इसे बुखार लग गए थे लेकिन इसका पसीना नहीं निकल रहा था। तो जो लोग होते हैं वो कोल को उस आदमी के नीचे चलाते हैं इस होप में कि उस आदमी का जो पसीना है वो निकल जाए, ताकि पसीने के साथ जो स्नेक का जहर है वो भी निकल जाए एंड उसकी बीमारी ठीक हो जाए। तो यहाँ पर जो मौसरीक है वो लोगों को कहता है कि उसका दोस्त मकैक इस आदमी को ठीक कर सकता है, बट उसको इस काम के लिए फूड और मनी चाहिए। तो फिर जो लोग हैं वो मौसरीक की बात को मान जाते हैं। फिर मौसरीक मकैक को लेकर वहाँ पर जाता है ताकि वो उस बीमार को ठीक कर सके। जो मकैक है वो सचमुच ही उस इंसान को बिल्कुल ठीक कर देता है एंड इस हीलिंग सेरेमनी को परफॉर्म करने के बाद लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं इन दोनों के एंड इन दोनों को बहुत ज़्यादा गिफ्ट भी देते हैं। तो इसके बाद जो मकैक एंड मौसरीक है वो वहाँ से वापस मार्केट चले जाते हैं। बट यहाँ पर जो मौसरीक है उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो मकैक की हीलिंग पावर से फाइनेंशियली बेनिफिट कमाए, बट जो मकैक है वो ऐसा करने से मना कर देता है। बिकॉज जो मकैक है वो अपनी इस नेचुरल हीलिंग पावर को पैसों के लिए यूज़ नहीं करना चाहता था, यानी कि अपनी इस नेचुरल पावर से वो पैसे अर्न नहीं करना चाहता था। इसके बाद जो मकैक है वो आगे ड्रीम में देखता है कि मकैक का दोस्त मौसरीक है वो मकैक के जैसे बनकर मार्केट जाता है, ताकि जो लोग हैं उनको लगे कि वो रियल मकैक है जिसमें हीलिंग पावर्स हैं एंड वो लोगों को ठगकर कुछ पैसे कमा लें। बट जब लोगों को उसकी रियल आइडेंटिटी का पता चलता है कि वो रियल हीलर नहीं है, तो जो क्राउड है वो बुरी तरह से भड़क जाती है एंड उसे बहुत ज़्यादा पीटती है। एंड जो लेस्ट्रेड है वो भी इस इंसिडेंट को देखता है। इसके बाद आगे सपने में ही मकैक देखता है कि मकैक दौड़कर अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, बट जो मौसरीक है वो अपनी डीप इंजरी के कारण मकैक के बाहों में ही मर जाता है। तो यहाँ पर जो मौसरीक की डेथ हुई है, एक्चुअल में मौसरीक मरा नहीं है, ये मकैक के जस्ट सपने में हुआ है, जहाँ पर उसने देखा कि जो क्राउड है वो मौसरीक को मार डालती है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये जो पूरा की पूरा इंसिडेंट है मौसरीक की डेथ का, ये मकैक के सपने में ही हुआ है। तो इसके बाद इस प्ले में मकैक के एक और सपने को डिस्क्राइब किया है, जिसमें बताया है कि जो मकैक है वो सपने में देखता है कि वो जेल की सेल में है एंड जो लेस्ट्रेड है वो मकैक एंड उसके दोनों साथियों टीगर एंड सोरिस को जगाता है। एंड इस सपने में जो मकैक है वो ये भी देखता है कि जो टीगर एंड सोरिस हैं वो मकैक के पैसों को लूटने का प्लान बनाते हैं एंड ये दोनों मकैक को उकसाते हैं कि वो लेस्ट्रेड को मार दे एंड मकैक इनकी बातों में आ जाता है। मकैक बीमारी का बहाना बना लेता है एंड लेस्ट्रेड जब उसके करीब आता है तो मकैक लेस्ट्रेड को खंजर मार देता है।
एंड इसके बाद जो मकैक है वो अपने दोनों साथी प्रिजनर्स के साथ यानी कि टीगर एंड सॉरिस के साथ जेल से भागकर जंगल चला जाता है। दूसरी ओर जो जेल में लेस्ट्रेड होता है वो मरा नहीं होता है एंड वो कुछ टाइम बाद रिकवर कर जाता है एंड वो रियलाइज करता है कि खंजर से उसको माइनर से ही लगी है। एंड फॉरेस्ट में जो मकैक है उसका बिहेवियर एकदम से इरेटिक हो जाता है, इरेटिक यानी कि इरेगुलर या अनयूजुअल आप कह सकते हो। एंड जो मकैक है वो सॉरिस एंड टीगर को प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें अफ्रीका लेकर जाएगा एंड उन्हें वहाँ पर जनरल बनाएगा। फिर मकैक को रियलाइज होता है कि जो लेस्ट्रेड है वो वहाँ पर आ चुका है एंड इसलिए जो मकैक है वो सॉरिस एंड टीगर को छुपा देता है। एंड यहाँ पर जो मकैक का ड्रीम चला हुआ है उसमें एक ट्विस्ट आता है। मकैक देखता है कि जो लेस्ट्रेड है वो मकैक को पकड़ने के बजाय उसके सामने पश्चाताप करता है और मकैक की जो जर्नी है उसको ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ पर जिस जर्नी की बात हो रही है ये एक्चुअल में मकैक के अफ्रीका जाने की जर्नी की बात है। जो मकैक ने ड्रीम देखा था कि उसे अफ्रीका का जो है राजा बनना चाहिए एंड उसे अफ्रीका जाना चाहिए, तो यहाँ पर जो मकैक है वो अपने उसी सपने को पूरा कर रहा है लेकिन उस सपने को ये सपने में ही पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ड्रीमिंग इनसाइड अ ड्रीम, यानी कि जो आपका प्रोटैगनिस्ट है मकैक है उसने एक ड्रीम देखा है एंड वो उस ड्रीम को अब ड्रीम में ही कंप्लीट कर रहा है। तो ये कुछ भी जो भी ये करने की बातें हैं ये कुछ भी रियल नहीं है, मकैक जो है ये सब अपने ड्रीम्स में कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लेस्ट्रेड है वो मकैक की इस जर्नी को ज्वाइन कर लेता है एंड जैसा कि टीगर एंड सॉरिस ने मकैक को रॉब करने का प्लान बनाया होता है तो यहाँ पर जो टीगर है वो मकैक से जबरन पैसे मांगने लग जाता है। तो जो लेस्ट्रेड है वो टीगर की ऐसी हरकत देखकर टीगर को छुरा घोंप कर मार डालता है। तो इसके बाद जो मकैक है वो आगे सपने में देखता है कि ये सभी अफ्रीका के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जो कॉर्पोरल है वो अनाउंस करता है कि अब वो मकैक के बिहाफ से वहाँ पर लॉ एनफोर्स करेगा। एंड जो लेस्ट्रेड है वो ये भी बताता है कि अब वो ब्लैक लॉ की रक्षा करेगा ना कि वाइट लॉ की। तो इसके बाद ये सभी अफ्रीका में पहुंच जाते हैं एंड अफ्रीका के जो लोग हैं उनका क्राउड मकैक को अफ्रीकन कोर्ट में एज अ किंग ले जाता है एंड जो लेस्ट्रेड है वो क्राउड को जोर जोर से मकैक की प्रेज करने के लिए बोलता है। बट वो मकैक है जो अभी भी अनहैप्पी है बिकॉज मकैक जो है वो खुद को एज अ होलो घोस्ट के रूप में देखता है। एंड इसके बाद जो मकैक है एंड अफ्रीका के जो बाकी लोग हैं वो कॉलोनियल ड्रेसेस को छोड़कर अफ्रीका की ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहन लेते हैं। इसके बाद जो लेस्ट्रेड है वो राजा के सामने प्रिजनर्स की एक लिस्ट देता है एंड इस लिस्ट में बहुत से ऐतिहासिक वाइट पीपल होते हैं जिनमें से कुछ प्रिजनर्स की पहले ही मौत हो चुकी है। तो इसके बाद जो भी प्रिजनर्स जो अभी जिंदा होते हैं जो वाइट पीपल हैं उनको जो है बुलाया जाता है एंड इन सब का जो कसूर था वो सिर्फ इतना था कि ये लोग वाइट थे जिन्होंने कभी ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था, इसीलिए इन्हें जो मकैक है वो मौत की सजा सुना देता है क्योंकि अब जो मकैक है वो इस वाले ड्रीम में एक राजा बन चुका है अफ्रीका का। इसके बाद जो मोस्टिक है उसको भी कोर्ट में घसीट कर लाया जाता है जिसे मकैक के ड्रीम्स में उसे धोखा देने के लिए एक्यूज किया जाता है। तो जो मोस्टिक है वो मकैक को विनती करता है और क्लेम करता है कि जो मकैक है वो एज अ किंग पागल हो चुका है, बूढ़ा और ब्लाइंड हो चुका है। मकैक किंग है वो मोस्टिक को फांसी की सजा दे देता है एंड उसे वहां से ले जाया जाता है। इसके बाद जो वाइट वुमेन है उसे भी कोर्ट में सामने लाया जाता है एंड जो लेस्ट्रेड है वो इसके लिए फांसी की सजा मकैक से मांगता है। लेस्ट्रेड जो है वो मकैक को एक तलवार देता है एंड सबके जाने के बाद जो मकैक है वो इस घटना को अंजाम देता है यानी कि इस वाइट वुमेन की वो जान ले लेता है। तो यहाँ पर वाइट वुमेन की डेथ के साथ ही जो यूरोपियन रूल है उसको भी मकैक एक तरह से ख़त्म कर देता है एंड मकैक फिर से अपनी अफ्रीकन ड्रेस को चेंज करके कॉलोनियल जो ड्रेस है उसको पहन लेता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मकैक है वो एक टाइम पे दोनों जो हमारे अफ्रीकन और यूरोपियन कल्चर है उनको रिजेक्ट कर देता है एंड अब यहाँ पर जो मकैक है वो ना ही अफ्रीकन कल्चर को एंड ना ही यूरोपियन कल्चर में से किसी को सुपीरियर मानता है, वो खुद को हाइब्रिड मानता है। तो इसके बाद इस प्ले का लास्ट एपिलॉग है जिसमें जो मकैक है उसका ड्रीम खत्म हो जाता है एंड मकैक जो होता है वो जेल सेल में ही होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब तक जितनी भी स्टोरी थी ये स्टार्ट हुई थी उसी जेल सेल से जहां पर मकैक को रखा गया था क्योंकि उसने ड्रिंक करके जो है तोड़फोड़ की थी। तो उसको जो लेस्ट्रेड है वो उसको अरेस्ट कर लेता है। तो वहां पर उसने जो पहला सपना देखा था उसी सपने में उसने आगे के दो तीन सपने और देखे हैं जो मैंने आपको ड्रीम्स की डिटेल दी है। तो यहां पर फाइनली मकैक का जो सपना है वो खत्म हो जाता है
आता है एंड इस टाइम जो लेस्ट्रेड है वो मकैक से उसका नाम पूछता है, तो मकैक अपना रियल नेम बताता है एंड इसका रियल नेम होता है फेलिक्स होवेन। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि मकैक का रियल नाम जो था वो मकैक नहीं था बल्कि फेलिक्स था। एंड अब तक जो भी हमने इसका मकैक जो नाम हमने पूरी स्टोरी में जाना वो इसके ड्रीम में ही एक उसका नेम था जो इसने अपने आप को दिया था। तो मकैक की रियल आइडेंटिटी को जो लेस्ट्रेड है वो एक्सेप्ट कर लेता है एंड फिर थोड़े टाइम बाद जो मॉस्ट्रीक है वो भी वहाँ पर आ जाता है एंड इसके बाद मकैक एंड उसका जो फ्रेंड मॉस्ट्रीक है वो दोनों हैप्पीली मंकी माउंटेन पर वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो समरी है वो ख़त्म होती है। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, किसने में रियल बात यही है जो ड्रीम में नहीं हुई है वो ये है कि मकैक को सच में उसके इल बिहेवियर की वजह से जो लेस्ट्रेड है उसने अरेस्ट किया था एंड अपनी उस जेल में उसने सपना देखा जो हमने आगे की स्टोरी जानी वो उसकी सपने की थी एंड लास्ट में उसका ड्रीम ख़त्म हो जाता है एंड ड्रीम ख़त्म होने के बाद जो भी चीज़ें मकैक ने बताई हैं वो रियल हैं, जैसे कि मकैक का नेम जो है वो फेलिक्स है एंड जो लेस्ट्रेड है वो मकैक यानी कि फेलिक्स को रिहा कर देता है एंड उसके बाद जो फेलिक्स एंड जो मॉस्ट्रीक हैं वो हैप्पीली मंकी माउंटेन्स पे रहने वापस लौट जाते हैं। तो ये एंडिंग है ये भी रियल है। तो ये थी ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन प्ले की समरी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आई नो कि इस प्ले की जो समरी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई होगी तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी बताने की। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।